हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नेचुरल डीवा में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सिड जेल हेयर पैक के बारे में। ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है बालों के लिए। फ्लेक्सिड जेल किस तरह से बनाया जाए इसका एक वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देखिएगा किस तरह से फ्लेक्सिड जेल बनाया जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं फ्लेक्सिड जेल हेयर पैक। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उस बोल के अंदर 4 बड़े चम्मच हम फ्लेक्सिड जेल डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने फ्लेक्सिड जेल के 4 बड़े चम्मच लिए हैं, ये करीब आधा कप होगा। आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कीजिए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं करीब 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। अब इसके बाद मैं लूँगी 1 बड़ा चम्मच हनी। ये एकदम रॉ हनी है, देखिए ये नॉन फिल्टर्ड हनी है। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच हनी लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेक्सिड जेल बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे बालों को कंडीशन करता है, साथ साथ उसमें एक इंस्टेंट शाइन देता है। ये बालों के स्प्लिट सेंड्स को ख़त्म करता है और बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ हनी जो है बालों को मॉइस्चर करता है, इसलिए ओवरऑल ये हेयर पैक है बहुत ही अच्छा है। और इसको लगाते कैसे हैं, देखिए आप इनको अपने बालों में इस तरह से लगाइए और 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से धोइए और आप देखेंगे कि आपके बाल एकदम फ्रीजी फ्री और एकदम स्मूथ बन गए हैं। बालों के साथ साथ फ्लेक्सिड जेल जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्लेक्सिड जेल। यहाँ करीब 1 बड़े चम्मच फ्लेक्सिड जेल में मैं 1 कैप्सूल डालूंगी और उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये स्किन को मॉइस्चर करता है तथा साथ साथ स्किन में कोई भी ब्रेकआउट्स होते हैं तो उसको रिपेयर करने का काम आर्गन ऑयल करता है। तो इन सब तीनों चीज़ों को मिला के एक सीरम के रूप में ये तैयार हो जाएगा। आप इस जेल को इस तरह से एक बॉटल में भरिए और रात को फेस वॉश करने के बाद अपने चेहरे पे इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए और सुबह अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। आप 2 या 3 यूज़ के बाद ही अपने चेहरे पे एक फ़र्क महसूस करेंगे, आपका चेहरा खिला खिला और एकदम सॉफ्ट सपल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेमेडी पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नेचुरल डीवा। थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।